क्या क्या ओपिनियन है, किसको किस ये पे पूछना चाहती हैं आप? सर ये जो इलेक्शन होने वाला है इसके रिगार्डिंग मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये 10 साल की सरकार एकदम फेल हो गई है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि आज नौजवान सड़क पे चाय पकौड़ा बेच रहा है, नहीं कहीं वैकेंसी निकल रही है, जो भी वैकेंसी निकल रही सारे पेपर आउट हो जा रहे हैं, और पेपर आउट होने में ये गैंगस्टर और माफियाओं की बात जो आप कर रही हैं वो गलत है, क्योंकि इसमें पूरी सरकार की मशीनरी मिली हुई है, और बिना मशीनरी के मिले एआरओ का पेपर निरस्त हुआ, पुलिस की पेपर निरस्त हुआ, ये बताइए इतने लड़के कहाँ जाएंगे? अच्छा सरकार ने तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उस पर क्या कहना है आपका? कहीं 2 करोड़ रोजगार सिर्फ पेपर में है, पकौड़ा बेचना चाय बेचना किसी के यहाँ नौकरी करना, अडानी अंबानी के यहाँ नौकरी करना ये नौकरी नहीं होता है। आप गवर्नमेंट जॉब दीजिए, अडानी अंबानी जब चाहे कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे। इसलिए सरकार एकदम फेलियोर है, स्टेट भी फेलियोर है, केंद्र भी फेलियोर है, क्योंकि ये नौजवानों की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ धर्म पे कार्य कर रही है, क्या ये सच है? धर्म का कार्य कहीं नहीं हो रहा है, ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर का निर्माण हुआ। जो भी है कानून का, हर देश का नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए। इसका अगर ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि हम लोग कानून के मंदिर में बैठे हुए हैं, कानून का जो भी आदेश कोर्ट का होगा हर हिंदुस्तान के एक एक नागरिक मानने के लिए बाध्य है। कार इस बार फिर बीजेपी की ही आएगी। नौजवान देखिए, धर्म, सेना, पुलिस, इन लोग के नाम पर वोट मांगना भाजपा की सबसे बड़ी विफलता है, पेपर लीक होना सबसे बड़ी विफलता है। तो कहने का मतलब कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी और जनता चुनेगी इस बार कांग्रेस को, क्योंकि कोई वजह क्या है? वजह भ्रष्टाचार है, जिसको सबसे बड़ा मोदी जी कहे थे भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये भाजपा अपना सबसे बड़ा है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें बोला गया SBI को कि देने के लिए कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 5 मार्च को देना था उन लोगों को, अब जून की डेट ले लिए SBI वाले, तो ये क्यों हो रहा है सर? वो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो देना चाहिए ना, ये सरकार की नाकामी है, सरकार को बताना चाहिए। NDA की आप बात की है, इसमें भाजपा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेने वाली पार्टी है, 5,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उसको सिर्फ मिला है भाजपा को। ये बताइए अगर कहाँ से मिला है, इसका कोई वो नहीं है, अभी तक दे नहीं पाई है, कहाँ से मिला हिसाब किताब कुछ भी। अच्छा ये जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, ये जो यात्रा शुरू की है नया यात्रा, उस पर क्या कहना है आपका? लोगों तक जुड़ने का सबसे बढ़िया ये यात्रा है, नीचे तबके के लोगों से लेकर ऊपर तबके तक के सभी लोगों से उन्होंने मिला, किसी के पास जाकर वो भेदभाव नहीं किए, किसी के घर चले गए, सबसे मिले, सबका हाल जाने, और सब लोग मोदी जी के सरकार से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि कोई सुनवाई कहीं पे नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार, घुसखोरी, पेपर लीक से लेकर माफियागिरी, जिसको बंद करने की बात की गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं, प्रयागराज में भी माफिया था बहुत बड़ा जिसका उन्होंने खत्म किया, उस पर क्या कहना है आपका? अगर किसी की भी आतंक रहेगी और ऐसा खत्म कर दिया जाएगा उसको, तो इसमें कहने वाली ऐसी कोई भाजपा की बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी सरकार रहेगी और वहाँ पे वैसा माफिया आतंकी रहेगा, कानूनी तौर पर जेल तो सपा सरकार में गए थे, ये कोर्ट और हाई कोर्ट और उसको सजा दे रही है, इसमें भाजपा नहीं ना सजा दे रही है, इसमें तो कोर्ट की है रोल। अब जैसे मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर क्या भाजपा बनवाई है? नहीं, वो आदेश है। और ये किसी सरकार में नहीं हुआ था, समय होता है हर चीज का, इसका क्या मतलब है केस चल रहा है तो 10 साल केस चलेगा। जजमेंट मायावती गवर्नमेंट में, मान लीजिए आज हम कोई केस कर रहे हैं और उसका फैसला 10 साल बाद आएगा, कौन सी पार्टी है कौन सी नई पार्टी है, 10 साल फ्यूचर तो देख के नहीं ना कोई आदमी केस किया है। वो आया फैसला किसका? कोर्ट का ही फैसला है ना। अब उसके नाम पर हम मांगेंगे? मोदी जी कहते हैं सेना के नाम पे, ये हम लोग का है कानून है, उसमें दिया हुआ है कि सेना के नाम पे कोई वोट नहीं मांगेगा। अभी देखिए मोदी जी के कई वीडियो है जिसमें वो पुलवामा हमले से लेकर कई जगह अपना सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हो? और है, अगर यही रहा तो वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका का हाल हो जाएगा, हम लोग मंदिर मस्जिद में उलझे रहेंगे और देश कंगाल हो जाएगा। तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव होगा, यहाँ तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को लोग पलट दिए, इमरजेंसी में जो इमरजेंसी अघोषित इमरजेंसी इंडिया में लगी हुई है, जो कोई बोल नहीं पा रहा, कोई नेता निकल नहीं पा रहा, आप देख लीजिए ईडी का छापा पड़ जा रहा है, CBI का छापा पड़ जा रहा है। अच्छा बीजेपी को हटाने का कारण केवल रोजगार है? अरे सबसे बड़ा रोजगार है, पेट में खाने को कुछ केवल बात नहीं है मैम, रोजगार केवल आप मत शब्द यूज कीजिए इसके साथ, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, जो रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है वो सुसाइड कर ले रहा है, ये केवल की बात नहीं है रोजगार, ये दिस इज नॉट ओनली फॉर रोजगार, इट्स ऑल अबाउट रोजगार। नमस्कार, मैं कीर्ति इंडिया न्यूज 20 से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कुछ अपने देश के कानून रक्षक से, जो कानून व्यवस्था
जानना चाहती हूँ, इस बार आप प्रधानमंत्री के रूप में देश में किसे देखना चाहते हैं? अभी तो नरेंद्र मोदी जी उपयुक्त हैं और आगे भी उन्हीं को हम देखना चाहते हैं। तो क्या कहना है, 10 साल से वो कार्यकाल में है, कैसा रहा उनका कार्यकाल अभी तक का? उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने जो है देश की प्रगति के रूप में बहुत ही कार्य किया। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने उसको डेवलप किया, जिसका परिणाम जो है हमको आपको जो है आगे के वर्षों में देखने को मिलेगा। महेश कुमार शुक्ला, एडवोकेट हाईकोर्ट। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, तो पेपर लीक हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे फिर आप? पेपर लीक से कोई मतलब नहीं है। पेपर लीक सरकार थोड़ी कराती है, वो तो जो है माफिया लोग हैं, माफिया लोगों पे सरकार जो है नकेल कस रही है। अच्छा, ये माफिया करवा रहे हैं जी? अच्छा, ये जो एनडीए और इंडिया का गठबंधन हो रहा है उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? एनडीए का गठबंधन द बेस्ट है और हमेशा बेस्ट रहा है, और इंडिया का गठबंधन चल नहीं पाएगा, ठीक है? नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।